सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डी के में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन एनर्जी को लेकर अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या है खबर आपको डिटेल में बताएंगे और उसका क्या इफेक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। क्वार्टर फोर से पहले आप देखोगे स्टॉक जाने वाला है 10 रुपये के प्लस। तो ऐसा क्या आया है क्या नहीं आपको डिटेल में बताएंगे। और उस एक न्यूज़ के आते ही आप देखोगे स्टॉक में 1.23% की तेज़ी बन चुकी है। और जैसा कि आप देखोगे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि स्टॉक आपको काफ़ी अच्छी रेंज में मिल रहा है, यहाँ से स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। सुबह आप देखोगे स्टॉक ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ी बहुत स्टॉक में करेक्शन आई थी, वहाँ पर एक बेस्ट मौका था स्टॉक के अंदर एंट्री लेने का। और आप देखोगे स्टॉक में जो वॉल्यूम लगी है 4,36,00,000 की, जी हाँ 43 मिलियन यानी कि 4,36,00,000 की स्टॉक में काफ़ी हैवी वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या है खबर और उसका क्या इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं नज़र आएगा। स्टॉक आप देखोगे आपको जो ना अभी अपने 52 वीक हाई से 32% डिस्काउंट पर मिल रहा है। और एक साल में अगर बात करें रिटर्न की तो 25% स्टॉक के अंदर हमें जो ना अभी करेक्शन देखने को मिला है। तो करेक्शन को लेकर आपको घबराना नहीं है, स्टॉक के अंदर यहाँ से फिर से ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं क्या आई है खबर, उसका क्या इफेक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे क्वार्टर फोर से पहले बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हमें देखने को मिली है। पीछे कंपनी ने जो आप देखोगे राइट इशू भी लेकर आई थी और वहाँ पर भी कंपनी ने जो ना अभी बहुत कुछ अपना जो ना अभी डेट कम किया है। तो यहाँ पर आप देखो 2 घंटे पहले अपडेट है, चलिए देखते हैं क्या है पूरी मामला ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल रहा है ये खबर हमें जो अभी 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 आप देखोगे आते हुए नजर आई है। और उसका क्या इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे 12:47 पर यानी कि 1 बजे के आसपास आई है 1 घंटे पहले। और यहाँ पर आप देखोगे सुजलोन समूह को, सुजलोन एनर्जी ग्रुप को आप देखोगे जो अभी सैम कॉर्प से लगभग 50 मेगावाट पवन परियोजनाओं का एक ठेका मिला है, यानी कि एक बड़ा टेंडर मिल चुका है कंपनी को, काफ़ी अच्छी बात है। और आप देखोगे सैम कॉर्प से पहले भी बहुत सारे ऑर्डर्स कंपनी को मिले हुए हैं जो 2022 में आप देखोगे एंड में देखने को मिले थे। अडानी ग्रुप से भी एक ऑर्डर मिला था, तो बहुत बड़े बड़े कंपनी को ऑर्डर मिले, आदित्य बिरला ग्रुप से भी एक ऑर्डर मिला था। तो ये आने वाले टाइम में आप देखोगे जो ना भी इन फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो होगी। तो यहाँ से आप देखोगे भी पीछे अनाउंसमेंट हुई थी कि इंडिया के अंदर हर साल आपको 10 गीगावाट के लिए बड़ी आपको जो ना भी बिडिंग देखने को मिलेगी। और वहाँ पर आप देखोगे 50 मेगावाट का जो एक ऑर्डर है वो कंपनी ने विन किया है। तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल में पढ़ेंगे, सुजलोन ग्रुप ने एक बयान में कहा कि ऑर्डर से हिस्से के रूप में सुजलोन हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर, ठीक है, टावर के साथ आप देखोगे 24 पवन टर्बाइन जनरेटर स्थापित करेगी और प्रत्येक की जो रेटेड क्षमता होगी यानी कि जो कैपेसिटी होगी वो 2.1 मेगावाट की होगी, ठीक है। तो एक आप देखोगे एक टर्बाइन 24 पवन टर्बाइन जो ना कंपनी लगाने जा रही है, जिनमें से आप देखोगे प्रत्येक की जो क्षमता होगी 2.1 मेगावाट की रहने वाली है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है, काफ़ी बड़े आप देखोगे भी कंपनी को एक ऑर्डर मिल चुका है लगभग 50 मेगावाट का। तो आगे चलकर आप देखोगे कंपनी को इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यह है ऑर्डर, आप देखोगे कर्नाटका में स्थित है और इसको 2024 में चालू होने की उम्मीद है। तो 2024 में आप देखोगे यह परियोजना चालू हो जाएगी, तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स हमें देखने को मिली है। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसके यहाँ से लेवल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक आपको जो ना अभी इस रेंज में, एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट जोन में स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। और जो स्टॉक में ट्रेंड है वो आप देखोगे अप ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक जो आपको एक अप ट्रेंड फॉलो करते नजर आ रहा है। तो ऐसे में स्टॉक के अंदर एक बहुत ही अच्छा मौका है पैसा लगाने का। यहाँ से अगर आप लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करके चलते हो तो 8.30 रुपये का इसके ऊपर में रेजिस्टेंस है, हमारी कल वाली वीडियो में भी आपको बोला था। नीचे में सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 8 रुपये का हमारा नीचे में सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ से स्टॉक में जो ना फिर से तेजी आने काफी ज्यादा चांसेस है। तो यहां से हम लोग जो स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं एज ए लॉन्ग टाइम के लिए। और हमारा जो यहां से टारगेट होगा पहला, वो यहां पर आप देखोगे 8.90 रुपये का निकल कर आया है। तो काफी अच्छे अपडेट्स के साथ आप देखोगे स्टॉक में अब फिर से तेजी बनेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इस शेयर के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस न हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।